प्रभिंदर लाल जी, आप चंडीगढ़ में काफी सालों से काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, एडवर्टाइजिंग, तो ये सारी फील्ड्स कैसे कनेक्ट होती हैं आपकी क्रिएटिव जर्नी? मैंने अप्लाइड आर्ट से पास आउट किया, कहां से? यहां से, गवर्नमेंट कॉलेज पास से। जी जी। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली एडवर्टाइजिंग एजेंसी में चले गया एज एन आर्ट डायरेक्टर। नहीं, आर्किटेक्ट नहीं, एज एन आर्ट डायरेक्टर, ग्राफिक डिजाइनर, विजुअलाइजर, आर्ट डायरेक्टर। फिर चंडीगढ़ आके दो साल के बाद फिर मैं चंडीगढ़ आके अपना एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की, उसमें आर्ट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया। देन धीरे धीरे मैं उस वक्त कॉलेज में ही मैं थोड़ा पेंटिंग से इंस्पायर होकर काम करता था। अच्छा। तो वो भी मेरा कंटिन्यू चलता रहा था। अच्छा, अच्छा। वो एक्सपेरिमेंटल जैसे होता है ना वर्क, वो एक्सपेरिमेंट करना किसी के साथ, पेंट के साथ, स्केचिंग के साथ, सो मेनी थिंग्स, और ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके, और ज्योमेट्रिकल फॉर्म, आर्किटेक्चरल फॉर्म, उसको कंबाइन करके विद पेंसिल कलर्स एंड एक्रेलिक कलर्स विद रोलर एंड स्पैचुला। अच्छा, तो काफी चीजें को एक्सपेरिमेंट करते रहे। ओके ओके। एंड एसेंशियली पेंटिंग के लिए? यस, पेंटिंग के लिए। ओके। प्लस मैं वो भी अपना उसका भी एक्सपीरियंस लेता रहा साथ साथ एडवर्टाइजिंग एजेंसी का भी। ओके ओके ओके। तो चंडीगढ़ कैसे फिगर होता है आपके काम में? आपके काम में काफी स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं। क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरे सारे, मेरे फादर आर्किटेक्ट थे, मेरे अंकल, मेरे टोरंटो में वो भी आर्किटेक्ट थे, उनको जो वर्क्स, उनका स्केचिंग देख के ना मैं इंस्पायर होता था। तो मैं, हमारे घर में भी काफी लोग आर्किटेक्ट विजिट करते थे, वो मुझे एडवाइस करते थे कि आप ऐसा कुछ काम करो। तो सो मैनी। तो आर्किटेक्ट नहीं बने और आर्टिस्ट बने? नहीं बन सका, आर्टिस्ट बन गया, आर्किटेक्चरल आर्टिस्ट बन गया। यस यस। तो शुरू से शौक था आर्ट का? हाँ जी, शुरू से शौक था जी। मैं कॉलेज ऑफ आर्ट से आने से पहले मैं किसी आर्किटेक्ट के पास पर्सपेक्टिव ड्राइंग सीखने जाता था, दो साल उसके साथ ट्रेनिंग ली मैंने। जी, तो उससे अब मेरा हाथ इतना फ्लो, इतना फास्ट है स्केचिंग करने के लिए। जी, जी। तो मैं विद इन 5-10 मिनट्स में स्केच बिल्डिंग आई कैन ड्रॉ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो पेंटिंग में क्या क्या थीम्स हैं जो आप करते हैं? पेंटिंग में मेरा एनवायरमेंटल, सिटीस्केप, आर्किटेक्चरल स्पेस, इस तरह के टाइटल को लेके मैं पेंटिंग करता हूँ मोस्टली, विद ब्राइट कलर्स, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन, शार्प कलर, मतलब जो बोल्ड कलर है ना उनको लेके। ओके ओके। तो लेटेस्ट सीरीज क्या है आपके काम की, थोड़ा डिटेल में? लेटेस्ट सीरीज मेरी है ये, अभी अर्बन स्केप और अर्बन लैंडस्केप इसको लेके। ओके, तो क्या दिखाया है उसमें, किस तरह की डिस्क्रिप्शन? उसमें मैंने सिटी का कुछ पार्ट्स, सिटी के कुछ जो बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर करते हैं, जैसे जाली होगी ना बिल्डिंग की, उसको लेके, देन फिर कुछ फॉर्म्स लेके जो मतलब आर्किटेक्चरल फॉर्म बिल्डिंग में होती है ना, बड़ी अट्रैक्ट करती है, लाइट्स, शेडो है ना, वो सबको लेके। तो कॉर्बूजियर का वर्क काफी इन्फ्लुएंस किया है मुझे? हाँ, इतना ज्यादा नहीं, मतलब उनका जो म्यूरल है, बिल्डिंग्स है, उनको मैं काफी मेरे काम में काफी प्लस पॉइंट रहा। ओके, तो आजकल क्या कर रहे हैं नया पेंटिंग में? क्या कर रहे हैं नया पेंटिंग में? यही अर्बन एनवायरमेंटल पेंटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, एनवायरमेंटल मतलब कि जो आजकल क्या चेंज हो गया है? हाँ जी, जो चेंज हो रहा है ना। ओके ओके। जो क्लाइमेट चेंज है और जो वो सब है। ओके ओके। कैसे, क्यों, कहाँ से इंस्पायर हुआ, क्यों, कहाँ से थॉट, कहाँ से आया? वो जो मैं एनवायरमेंट के काम करता हूँ उसको मैं पहले अलग अलग जगह पे जाके मैं विजिट करता हूँ जी, देन उसको स्केच करके या फोटोग्राफी करके जी, कुछ उनसे इंस्पायर होके, देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन पेंटिंग, बिग साइज कैनवस पेंटिंग। अच्छा, जैसे
उसके ब्लॉक्स ले लिए, लाइट एंड शेड ले लिए, जैसे हिल्स के ऊपर जाके हाउसेस जो स्मॉल हाउसेस उसके कलर्स उसकी फिगर्स वहाँ की है ना, वहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया, टेक्सचर हो गया है ना, वो सबको कवर करने के लिए तो आपने चंडीगढ़ में इतने सालों से आप रह रहे हैं, तो आपने आर्ट जहाँ तक सीन कंसिडर करते हैं उसमें क्या क्या आपको चेंजेस लगते हैं, क्या क्या फर्क लगता है जब आप पढ़ते थे आर्ट्स कॉलेज में और अब तक, तो क्या क्या चेंजेस लगते हैं आपको? चेंजेस उसमें पेंटिंग में पहले के जो पेंटिंग थी उसमें एक सब्जेक्ट को बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट होता था कि हम ये सीन बनाएंगे, विलेज सीन बनाएंगे, जहाँ पोर्ट्रेट बना दिया या ह्यूमन फिगर बना दिया जी, जी, अब वो टाइम ने इसमें ना बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं ना काम में, कोई डिजिटल प्रिंटिंग कर रहा है, कोई डिजिटल फोटोग्राफी कर रहा है, कोई फोटोग्राफी में भी ज्यादा स्कोप है, मतलब सो मेनी लाइंस इन फोटोग्राफी आल्सो, और कुछ लोग डिजिटल पेंटिंग भी करते हैं जैसे फोटोग्राफ को कंबाइंड करके विद टेक्सचर, जो टेक्सचर अपने आप क्रिएट करके उसको कंबाइंड करके एक हम पेंटिंग तैयार कर लेते हैं, दैट इज आल्सो एनवायरमेंटल वर्क है ना, तो बैकग्राउंड लेके ह्यूज सिटी की बैकग्राउंड लेके उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप ये सब आप जैसे ये मैं करता रहता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग फोटोग्राफी, आई एम ओनली डूइंग पेंटिंग्स, बट आई विल, यस आई एम, आई हैव प्लान कि आई विल डू दिस दोनों को मिला के वर्क ऑन दैट, बट कोई थीम सोची है कोई सब्जेक्ट इसके लिए? इसके लिए मैं अभी भी ये एनवायरमेंटल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली I got senior fellowship from the Ministry of Culture on this subject. मैं इसके ऊपर हिमाचल, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमाचल के ऊपर काफी काम करने की मैंने प्लान कर लिया और फोटोग्राफी भी कर ली, अब मैंने सिर्फ उसका लेआउट करना है. This is my two years project. और नया पेंटिंग में क्या कर रहे हैं आजकल? पेंटिंग में यही सेम थीम्स को सेम थीम्स को लेके दो साल से दो तीन साल से मैं रेगुलर एनवायरमेंटल पेंटिंग कर रहा हूँ, एनवायरमेंटल लैंडस्केप, एनवायरमेंटल स्केप्स और सी स्केप्स ये सब करते हैं. और आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली है एज एन आर्टिस्ट, और आपको क्या इन्फ्लुएंस किया है या आपके आर्ट को क्या इन्फ्लुएंस किया है? मुझे जो हिल्स के एरिया ना, जैसे मतलब आइसोलेटेड वहाँ के एरिया ने मुझे काफी फैसिनेट किया और काफी इंस्पायर किया कि मैं स्पेसेस को लेके मैं काम करूं. अच्छा, तभी आपके कैनवासेस बड़े, कैनवास में बड़े बड़े होते हैं और ह्यूज ऊपर स्पेस और नीचे कुछ एरिया मेरा वर्क का डिटेल वर्क होती है उसमें मैं अलग अलग मीडियम से भी काम करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल वर्क भी करता हूँ. अच्छा अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम एक्रिलिक्स डिफरेंट मीडियम्स यूज करते हैं? हाँ डिफरेंट. ओके ओके, तो आपका फेवरेट मीडियम क्या है? एक्रेलिक में. एक्रेलिक है, वो क्यों? क्योंकि एक्रेलिक को हैंडल करने के लिए यू कैन सी रिजल्ट इमीडिएटली, आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन सी द रिजल्ट, बट इन ऑयल यू कांट सी. जी जी, तो आप फुल टाइम पेंटर हैं? सिर्फ पेंटिंग? नहीं नहीं, फुल टाइम पेंटर हूँ, बट आई एम नॉट एनी प्रोफेसर और टीचर एनीवेयर इन कॉलेज ऑफ आर्ट, आई एम अ फ्रीलांस आर्टिस्ट. फ्रीलांस आर्टिस्ट, ओके. तो क्या क्या चैलेंजेस या क्या मुश्किलें फेस करते हो एज एन आर्टिस्ट आजकल के टाइम में? आजकल के टाइम में एडवर्टाइजिंग
के फील्ड की को मार्केट में मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई ना कि मैं जो काम पहले करता था जी, तो वो अब मैं रेट नहीं ले रहा, मतलब नहीं मिल रहा मुझे जी, 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 तो इसलिए मैंने ये अपना पूरा टोटल टाइम ना इसके ऊपर पेंटिंग के ऊपर लगाना शुरू कर दिया और मैं एडवर्टाइजिंग को थोड़ा सा काम कर रहा हूँ जी जी। तो इसमें काफी रिसर्च वगैरह भी करते रहते हैं नए पेंटिंग की थीम्स के, जैसे आप एनवायरनमेंट और इसके बारे में तो काफी पढ़ते हैं और हाँ जी रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, विजिट भी करता हूँ, ट्रैवल काफी करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ओके ओके, तो एट द पॉइंट स्केचिंग करते हैं कि नहीं ये सब थॉट्स नहीं नहीं वो सिर्फ फोटोग्राफ करके इसको डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ जी जी। और जो आपका जो हिमाचल वाला प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं डिटेल में, जो आप कह रहे थे 2 साल का प्रोजेक्ट है। हाँ, उसको मैंने हिमाचल, ईस्टर्न हिमाचल एंड वेस्टर्न हिमाचल जी का मैं फोटोग्राफी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर कंबाइंड उसको डॉक्यूमेंट करके मैंने 2 साल के लिए। फोटोग्राफी प्रोजेक्ट है कि नहीं इसको? नहीं, दिस इज विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट, ओके ओके। तो इसमें क्या है? आई एम हेल्पिंग, आई एम टेकिंग हेल्प फोटोग्राफी को लेकर। अच्छा अच्छा, तो फोटोग्राफी फिर आपने एज पार्ट ऑफ योर आर्टिस्टिक जर्नी सीखी है और वो सब फॉलो करते हैं? ठीक है, और कोई आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट जो करना चाहते हैं विच इज क्लोज टू योर हार्ट या जो इच्छा है? अभी मैं 2 साल के बाद प्लान करूंगा कि कैसा प्रोजेक्ट आएगा जी जी। और चंडीगढ़ के आर्टिस्ट के लिए कोई मैसेज? या चंडीगढ़ आर्टिस्ट के, अच्छा मतलब जो भी हो रहा है चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी इज डूइंग वेरी वेल, मतलब एग्जीबिशन, स्लाइड शो, लेक्चर्स आल्सो, एंड और सीनियर आर्टिस्ट को इन्वॉल्व कर रही है वर्कशॉप्स जी। तो आई थिंक वो जो भी स्टूडेंट्स है आगे जो बच्चे हैं जी, दे विल लर्न फ्रॉम अस। ठीक, थैंक यू प्रबिंदर जी।